नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रगति चंद। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने वाला है। 4 जून को सभी सीटों के लिए एक साथ काउंटिंग होनी है। यूपी की हॉट सीट वाराणसी पर देश भर की नजर टिकी हुई है। इस सीट से भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। वहीं इंडी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव मैदान में है। ऐसे में इस सीट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, तो आइए काशी वासियों से जानते हैं कि चुनाव परिणाम को लेकर के उनकी क्या राय है। आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन विशाल भारत संस्थान से जुड़ी हुई हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के मोदी जी के जीत के जश्न की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहनों ने मिलकर के मोदी जी को वोट दिया है और उन्हें पता है कि मोदी जी कल जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे और ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। क्योंकि इस बार इस कार्यकाल में हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब आएंगे तो समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे, जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। ट्रिपल तलाक खत्म करके एक कुरीति को अंत किया, मगर अभी अधिकार मिलना बाकी है। तो UCC जब लागू होगा, समान नागरिक संहिता जब लागू होगा, तो मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। खुशी तो हमें बहुत है, रिजल्ट तो कल अभी आएगा, लेकिन हम लोग अभी से इसीलिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे लिए ईद है। तैयारी में देख लीजिए, लड्डू बना रहे हैं, गीते गाए जा रहा है, हाँ बिल्कुल जीतेंगे, जीत के रहेंगे। नजमा परवीन, विशाल भारत संस्थान। आज हम लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं और पटाखे सजाए हैं, हम लोगों ने गुलाल से इनसे यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। कल मोदी जी की जीत की खुशी का जश्न है ये, और हम सारी बहनें मिल करके ये बताना चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जीत करके आएंगे, और हम सभी बहनें उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारी जो योजनाएँ चालू की वो सब मुस्लिम बहनों के लिए भी लागू हुई, और उन्होंने सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया उसको चरितार्थ किया। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार और हम सभी मिलकर के ये जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। कल का रिजल्ट कैसा रहेगा? कल का रिजल्ट मोदी जीत रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद से। हाँ हाँ हाँ। और वो काशी वासी उनका आशीर्वाद उनको दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब इधर से जीतेंगे। अच्छा, लड़ाई में कौन कौन है चुनाव की लड़ाई में? लड़ाई में कांग्रेस जो है और भाजपा है, बस और कोई लड़ाई है बस दोनों लोगों। अच्छा अच्छा, तो भाजपा ही जीतेगी। अच्छा अच्छा, कितना अंतर रहेगा, कुछ आइडिया है आपको? अंतर 4 लाख के करीब रहेगा। क्या नाम है आपका? सक्षम पांडे जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? हम भाजपा, अभी तो जो पोल देख के लग रहा है भाजपा की ही सरकार आ रही है। क्यों? वहाँ बहुत अच्छे तरह से वोटिंग किया गया है, तो मोदी जी के द्वारा एक सेट किया गया था इसकी बार 400 बार वाली, इस पे पूरे अच्छे से भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम भी किया है, और उनका जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है उस पे, और जो ग्लोबली हमारा काम हुआ है, अभी GDP पे जो काम चल रहा है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है 8 पॉइंट समथिंग GDP का, 8 पॉइंट समथिंग% का GDP। उसके बाद फिर से इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग का अच्छा हुआ है, जिसके कारण हम लोग का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मतलब ट्रेड वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ रही है। क्या लग रहा है कल का चुनाव कैसा होगा? कल का मोदी जी बनारस से ऐतिहासिक जीत दर्ज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लड़ाई में कौन रहेगा? लड़ाई में वही अजय राय है, लड़ाई नहीं है। अच्छा, बस एक खाना पूर्ति है, नहीं तो ये तो भाजपा की सीट रही है और आगे भी रहेगी, और मोदी जी एक कल एक इतिहास बनारस से रचने जा रहे हैं। कितने वोटों की मार्जिन रहेगी लगभग? हमें लग रहा है 5.5 से 6 लाख वोटों की मार्जिन रहेगी इस बार, और इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बनारस का नाम काशी में इतिहास लिखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।